दोस्तों, मैं चंपा फैमिली वर्ल्ड से। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो हैं बच्चों के लिए नूडल। तो मैंने ये पानी पहले ही उबलने के लिए रख दिया है। ये मैंने 5-6 कप पानी के रखे हैं। इसमें पहले मैं 1 चम्मच नमक का डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं इसके बीच में ही तेल डाल दूंगी। ये 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। अब दोस्तों, मैं इसमें ये जो नूडल हैं वो डालती हूँ। ये दोस्तों, जब मेरा एक उबाला आ जाएगा, अच्छी तरह से उबाला आता है, फिर मैं इसको ढक के पकाऊंगी। ऐसे इसको पकाना नहीं है, मैंने सिर्फ एक उबाला आकर मैं गैस को बंद कर दूंगी। फिर दिखाऊंगी कि ये मेरे नूडल कैसे बने हैं। मैं इसको ज़्यादा देर पकाऊंगी, एक ही उबाला आने दूंगी। तो अब कितना बड़ा उबाला आ गया है। अब मैं गैस को बंद करती हूँ और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये नूडल कैसे, देखो कैसे पक गए हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं आपको नूडल दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने एक ही उबाल दिया था और देखो ये नूडल कितने बढ़िया पक गए हैं। ये देखो, ये आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये देखो, है ना, कितने कच्चे भी नहीं रहे बिल्कुल। और ऐसे नूडल को ज़्यादा देर पकाना नहीं चाहिए। एक उबाल आए, बंद कर दो 5 मिनट के लिए, तो नूडल ऐसे बनेंगे। ये देखो, मैंने तेल भी साथ में ही डाल दिया था और नमक भी थोड़ा सा डाल दिया। अब मैं इसको इससे पानी निकाल देती हूँ। मैं पानी निकाल देती हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरे नूडल, अब मैंने इसको ठंडे कर लिए हैं, जला दिया है। और ये दोस्तों तेज आंच में ही बनेंगे, इसको धीमी आंच नहीं करनी है इसकी। अब इसमें मैंने 1 कड़छी घी डाल दिया। तो मैं इसके घी कढ़ाई में चारों ओर लगा लूँगी, क्योंकि नूडल चिपक जाते हैं। इसलिए पहले ही मैं कढ़ाई में चारों ओर घी को लगाती हूँ। मैंने पहले ये थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। आज दोस्तों नूडल बनेंगे और बच्चे भी बहुत ही खुश होंगे। अब दोस्तों मैं इसमें प्याज थोड़ा सा थोड़ा डाल देती हूँ। ये ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है।
अब मैं इसमें गाजर डालूंगी। गाजर क्योंकि लेट पकती है इसलिए इसको मैं पहले ही डाल दूंगी। ये गाजर जो है ना प्याज के साथ ही थोड़ी थोड़ी पक जाएगी। प्यार में बिकता है उसमें तो ये वाली सब्जियाँ कम ही पा डालते हैं। हम घर पे बना रहे हैं, हमारे बच्चों ने खानी है, हम जो भी सब्जी हो हम डाल सकते हैं कि क्योंकि हमारे बच्चे खा जाएंगे, ये सब्जियाँ खाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, नूडल में पता भी नहीं चलेगा उनको कि हम क्या खा रहे हैं और टेस्ट भी बहुत ही मिर्च डाल जो मैंने हरी वाली ली है। अब मैं दोस्तों टमाटर डाल रही हूँ, जो मैंने टमाटर भी डाल दिए। अब दोस्तों मैं ये मैंने दो हरी मिर्चियाँ ली हैं वो भी डाल दी। अब दोस्तों मैं ये पत्ता गोभी डाल रही हूँ, ये मैंने अच्छी तरह से धोकर गर्म पानी से अच्छी तरह से निकाल कर फिर मैंने डाल दिया। अब दोस्तों ये मैंने फूल गोभी जिसको बच्चे कॉलीफ्लावर बोलते हैं वो मैं डाल रही हूँ। इसको भी देखो मैंने नमक डालकर उबाला हुआ है, जो मैंने ऐसे नहीं इसमें डाली उबाल कर डाला है। मैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालूंगी। और आधा चम्मच ही मैं जीरा भुना हुआ डालूंगी। अब इसमें दोस्तों स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला। तो मैं इसमें मटर डालती हूँ जो मैंने ये भी मेरे उबले हुए हैं इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। देखो दोस्तों आज बच्चे क्यों ना खुश होंगे, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है सब्जियों की, काली मिर्च की और लहसुन की और जीरे की, बहुत बढ़िया ही खुशबू आ रही है इसमें। अब दोस्तों मैं इसमें सोया सॉस डालती हूँ क्योंकि जो मेरे नूडल हैं वो जब ऊपर में डालो तो वो सफ़ेद रह जाते हैं, इसलिए मैं इसमें अभी डाल रही हूँ ये सोया सॉस। अब इसमें दोस्तों माफ़ करना मुझे, मैं भूल गई थी वो थी केचप सॉस, ये है सोया सॉस। अब मैं इसमें ये भी दो चम्मच डाल देती हूँ।
अब दोस्तों मैं इसमें जो नूडल हैं उसको उनको डाल देती हूँ। ये देखो नूडल मेरे ये कितने बढ़िया बने हैं। ये देखो ये मैंने दोस्तों ना तो मैंने बाद में घी डाला है ना ही मैंने पूरे उबाले हैं। आपने देखा ये मैंने घी भी पहले ही डाल दिया है और इसको एक मिनट के लिए उबाल कर एक उबाल आया और मैंने गैस को बंद कर दिया। ना दोस्तों ये कोई भी दाना नूडल का सफ़ेद नहीं रहा है। ये ऐसे पहले ही डाल दें ये सब चीज़ें तो फिर इसको वो डालने की ज़रूरत तो होती है कि ये कोई कोई जगह सफ़ेद रह गई है कोई काली हो गई है। अब मैं इसमें एक ही चम्मच अब मैं एक चम्मच विनेगर का डाल रही हूँ। इसको बाद में ही डालना चाहिए जो मैंने डाल दिया। ये देखो देखो कितनी दोस्तों मैंने कढ़ाई भरकर सब्जी की डाली थी फिर भी सब्जियां दिखाई नहीं देती। इसमें सब्जी जितनी ज़्यादा हो उतना ही ये नूडल हमारे अच्छे बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे और सेहतमंद होते हैं। दोस्तों हम शादी ब्याहों में जाते हैं वहां पर तो सिर्फ एक बंद गोभी होती है और रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ पर भी एक बंद गोभी और शिमला मिर्ची गोभी। बच्चों को देने के लिए हम घर पर जब बना रहे हैं तो हम क्यों ना सब चीज़ें डालें। अब दोस्तों ये मेरी जो नूडल हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। ये चाइनीज है और हम इसको आज बहुत ही मज़े से खाएंगे। आप लोग भी इसे ऐसे ही बनाएं मेरी तरह ही। मैं तो आप सबको बहुत ही आसान तरीके से हर रेसिपी को बताती हूँ। चाइनीज है चाइनीज है ये चॉपस्टिक है जे इससे ही वो खाते हैं हम भी खाते हैं इधर भी खाने लग पड़े होटलों में भी यही मिलता है। ये स्टिक होती है और दोस्तों ये देखो मेरी रेसिपी मैंने बनाकर तैयार की है। अगर आपको ये मेरे आज नूडल पसंद हैं आप शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बनाना इसको मत भूलें और साथ में मेरा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलें। दोस्तों ये एक वेलकम की जो बेल आती है एक
उसको दबाना मत भूलें, और उसको दबाएंगे तो मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले दिखाई देगी। और इसको ज़रूर ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। नमस्कार।